ये कहना बंद करो कि आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ. नोबडी इज जस्ट एनीथिंग, यू आर स्पेशल. अदिति, हाउ डू यू सी योर करियर? कि क्या आप लाइफ के इस पॉइंट पर सेटिस्फाई हैं जो कुछ आपने लाइफ में किया, और क्या कहना चाहते हैं आप उन लेडीज को जो घर हो गया, आप तो बच्चे हो गए नहीं कर सकते हैं, उन लेडीज को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ और करना है. जो किया वो हो गया, अब उस पर क्या मतलब, उसके ढिंडोरे पिट के कोई फायदा नहीं. इट्स डन, इट्स ओवर, पास्ट इज गॉन, राइट. लेकिन आई फील दैट आई स्टिल नॉट यूज माई पोटेंशियल. आई थिंक आई हैव अ लॉट मोर पोटेंशियल, बी इट एज एन एक्टर, बी इट एज अ पर्सन हु लाइक हैज़ अ लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट्स ऑफ थाट्स. तो ये मार्वेलस मिसेज इंडिया जो है, तो इस पर मुझे फोकस करना है. आई वॉन्ट डेफिनेटली वॉन्टेड टू वॉन्ट इट टू बिकम अ वेरी बिग काइंड ऑफ अ पैजेंट, बिकॉज दिस रियली हेल्प्स द वेमेन. लाइक द अदर डे एक फ़ोन आया था हमें कि अरे मैडम, मैं तो बस एक हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या करूँगी. यस, आई सेड फर्स्टली आप ये कहना बंद करो कि आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ. नोबडी इज जस्ट एनीथिंग, यू आर स्पेशल. अगर आप होम मेकर हो, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये मैं सबको कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट ईजी बींग अ होम मेकर, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये है कि पे भी नहीं मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलती, इट्स अ थैंकलेस जॉब. सब लोग टेक यू फॉर, एवरीबडी टेक्स यू फॉर ग्रांटेड. तो आप बिल्कुल भी अपने आप को छोटा मत करिए, ये कह के आई एम जस्ट, से प्राउडली दैट आई एम अ होम मेकर, ये कॉन्फिडेंस से कहो आप, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट. तो ये कहना बहुत ज़रूरी है. एंड बच्चे हुए, शादी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप पे ध्यान नहीं देना चाहिए. क्योंकि मेरा यही मानना है कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली मच बेटर. क्या? तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.